अस्सलाम वालेकुम मोजस नाज़रीन, आप तमाम का 90S न्यूज़ में इस्तकबाल है। मीज़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से बतारीख 17 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार को दोपहर 2 बजे कॉन्वोकेशन की तकरीब मुनाकिद की गई। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नज़ तपस्या कॉलेज रेड हिल्स हैदराबाद में मीज़ान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी विजन तुलबा और तालिबात की तंजीम को बाख्तियार बनाकर हिंदुस्तानियों को बाख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। पेश है 90S न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मोहम्मद नईम, यास्मीन वादल, फिजा तरन्नुम, एंड अस्मा सुल्तान। सुधा हमीद समीम समरीन, शादान सरत, शाहना बेगम, गुड इवनिंग, दिस इज़ मोहम्मद मुख्तार अहमद, आई एम फाउंडर सेक्रेटरी मीज़ान एजुकेशन सोसाइटी। नाउ वी स्टार्टेड दिस सोसाइटी इन 2002। सिंस देन वी हैव पुट आवर स्वेट एंड ब्लड हार्ट एंड सोल टू रीच दिस पोजिशन। नाउ वी आर द नंबर वन कॉलेज इन SIV इन टीचर्स ट्रेनिंग। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेस आर देयर, पैरामेडिक्स एंड इंजीनियरिंग लाइक सेल फोन टेक्नोलॉजी एंड लैपटॉप टेक्नोलॉजी, Python and retail operations. So we are celebrating this 20th anniversary with convocation. So it's our proud moment. So our mission vision is to empower India by empowering student community and teachers fraternity. So our mission is to encourage, to empower, educate, to empower. That's what our. Thank you very much for coming us. Students to award. This is what about 150 students we have given the award, teachers training among us, and more than 20% of this belongs to paramedics and retail respectively. So so far we have completed 1054 certification student certified, and we are the number one in Hyderabad. We are the only institute who crossed the 4 figures in among Telangana and Hyderabad. So this is only because our students' effort. It's not our our faculty and our dedication, devotion, determination, and our positive thinking and our positive attitude, attitude of gratitude. Once again, and thank you very much for this place. Thank you a lot. Thanks, but thanks a lot. Really enjoyed being at this place, and the work Mizan Education Society is doing. I think it needs a lot of appreciation. सबको एक लेवल पे लाना, उनको एक तरीके से एजुकेशन देना और कल के लिए आत्मनिर्भर करना, इससे ज़्यादा अच्छा काम मुझे नहीं लगता कोई भी हो सकता है, और वो मीज़ान एजुकेशन सोसाइटी कर रही है। सो मुझे लगता है कि आपके लिए धन्यवाद, आपको इस काम के लिए, और आप ऐसे ही बरकत करते रहें और ऐसे ही और लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। मीज़ान एजुकेशन सोसाइटी उसके लिए है। थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट the secretary as well as to the students. Because of them we are here, because of them we are able to do, because it's a motivation from to us from the students. They are doing well, so we are more motivated and we are encouraged. So thank you so much for the student as well as for you people that you have given us this much of respect to us to come here and do it. Thank you to the thank you. With beautiful faces.
मैं प्लीज इनवाइट मिस्टर इकबाल फर्स्ट। आप बेटर लिसनर बनते हैं टॉस्ट मास्टर से, तो आप सुनेंगे ज्यादा, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है वो भी बेटर डिसाइड कर पाएंगे बाय डिफॉल्ट। लड़ने को भी एनकरेज करें बट कहाँ आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रक्चर वाइज कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो कोई यहाँ पर नहीं कह सकता कि भाई आज तक मेरी बीवी से मेरा झगड़ा नहीं हुआ या मेरी बीवी ने कभी मुझे कुछ बोला नहीं, आज तक का डिस्कशन नहीं हुआ, वो मैं नहीं मान सकती। चलिए सो लेट्स गो अहेड विद द फ्लो ऑफ द मीटिंग। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन, वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन द मीटिंग टुडे हु आर ऑनरिंग अस विद देयर प्रेजेंस एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। लेट मी प्लीज कॉल अपॉन So, हम सब टोस्ट मास्टर्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ना सिर्फ आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है बट साथ में लीडरशिप स्किल डेवलप करने में और लोगों से नेटवर्क करने में बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम सब इसका हिस्सा है और हम लोगों ने खुद इस जर्नी को देखा है, हम बहुत अच्छे से ग्रो किए हैं। आज हम लोग जो भी आप जिस तरीके से हमें बोलते हुए देख सकते हैं, ये सब टोस्ट मास्टर्स के लिए हुआ है। हैदराबाद सिटी में टोस्ट मास्टर्स के बहुत सारे क्लब हैं, आप गूगल पे जाइए टोस्ट मास्टर्स सर्च करिए और आपको अनेक ऑप्शंस मिलेंगे आपके एरिया के पास जहां आप टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास एक क्लब नहीं है तो हम लोग हैं जो कि आपके लिए एक टोस्ट मास्टर्स क्लब वहीं जहां पे आपकी ज़रूरत है वहां पे नया क्लब भी ला सकते हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टोस्ट मास्टर्स इज अ प्लेटफॉर्म वेर इन वन कैन लर्न द न्यूएंसेस ऑफ हाउ टू राइट अ स्पीच, हाउ टू गिव इफेक्टिव एवेल्युएशन, हाउ टू गिव गुड फीडबैक, हाउ टू बिल्ड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, हाउ टू बिल्ड टीम बॉन्डिंग, टीम कोलेब्रेशन, हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन, हाउ टू ऑर्गनाइज आवरसेल्व्स, हाउ टू deliver proper presentations, all these skills you learn in the field of Toastmasters, and this helps a lot of people, every student, every corporate, any person working in corporate or anyone, it is open to all actually, and most importantly for students, because students are learning nowadays, and when they get placed in companies, the companies will tell, hey, is this a Toastmaster member? And he has learned the skills of Toastmasters, we will definitely take him in. He's on the priority list of in the placement section. So it's a great opportunity for the students to build the skills on public speaking. That's how we help people in the field of public speaking and communication skills. And this is a place to learn here and implement the learnings in your personal and professional lives. So Toastmasters is a place for learning and please spread the word of Toastmasters. It's a place for learning and to develop all these skills. Thank you. मेक अ डिफरेंस कि आप हाउसवाइफ हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई स्कूल के स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन जर्नी में, लीडरशिप जर्नी में या नेटवर्किंग में ग्रो करना है, देन टोस्टमास्टर्स इज द प्लेस फॉर यू। एंड इन हैदराबाद वी हैव गॉट अराउंड 65 टोस्टमास्टर क्लब्स कंपोजिंग ऑफ कॉलेज, कम्युनिटी एंड कॉर्पोरेट क्लब्स, एंड वी आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट 126 विच कंपेजेस स्टेट्स ऑफ तेलंगाना, आंध्र, नागपुर, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ऑल द 5 सिटीज आर पार्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट, सो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू, प्लीज स्प्रेड द वर्ड, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मिजान इंस्टीट्यूशन वालों అందరికీ కూడా ప్రీ ప్రైమరీ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ చేసి, పారామెడికల్స్ చేసిన వాళ్ళకి, ప్లస్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ వాళ్ళ దగ్గర చేసిన వాళ్ళకి 22 ఇయర్స్ నుంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ అవుతుంది. మంచి ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ మంచి రెప్యుటేషన్ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్. చాలామంది అమ్మాయిలు, మేము ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఈ ప్రోగ్రామ్కి నేను ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద గెస్ట్గా వచ్చాను, చాలామంది అమ్మాయిలు బయట కంట్రీస్లో వెళ్ళి కూడా వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎంపవర్డ్ అయ్యి వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నారు అవుట్ సైడ్ కంట్రీస్లో, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళు ఓన్గా కూడా ఎంపవర్ అయ్యి స్కూల్స్లో ఒక ప్రిన్సిపల్స్గా, టీచర్స్గా, మంచి ఒక కార్పొరేట్ స్కూల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే అంత శక్తి వాళ్ళలో కలిగింది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సే దిస్. ఇట్లా ఒక విమెన్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈరోజు ఇవ్వగలుగుతుంది అంటే అది మిజాన్ అని నేను ఖచ్చితంగా 100% చెప్పగలుగుతా. ఎందుకంటే ఒక ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక 20 ఇయర్స్ సొసైటీలో కంటిన్యూగా రన్ కావడం అనేది నాట్ ఏ జోక్. అది చాలా అంటే దాని వెనకాల ఎంత శ్రమ ఉంది అనేది ఆ ఇందులో పనిచేసేటటువంటి ఆర్ఎంఎస్ఆర్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళ మిసెస్ కానివ్వండి, ఈవెన్ దో వాళ్ళ బాబు కూడా చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవ్రీ టైమ్ దే థింక్ ఫర్ ద సొసైటీ,
అంటే నాట్ ఫర్ ద సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్, ఇదేదో ప్రాఫిట్తో కూడుకున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ కూడా కాదు, మోస్ట్లీ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్తో కూడుకున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అనే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఎంతసేపు కూడా వాళ్ళు డబ్బుల గురించి ఎప్పుడు వాళ్ళు పరిగెత్తలేదు. ఒక ఒక సక్సెస్ పర్సన్ని తయారు చేయాలి, సొసైటీకి అంకితం చేయాలి, డెవలప్మెంట్ చేయాలి, సస్టైనబుల్గా అంటే ఏదైతే ఎవరైనా సరే ఏదైనా వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేసుకుంది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, సొసైటీకి వాళ్ళు తిరిగి సొసైటీలో పార్ట్ అయ్యా కావాలంటే సొసైటీకి తిరిగి వాళ్ళ సర్వీస్ని ఇవ్వగలగాలి అనేది మిజాన్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశము. సో ఇంతమంది ఇక్కడికి రావడము, ఇంత పెద్దగా చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేయడం అనేది చాలా బాగుంది. సో ఇంకా 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 సక్సెస్ కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. आज मीज़ान एजुकेशन सोसाइटी का आज 20 साल सेलिब्रेशन मनाया गया है यहाँ पर, तपस्या इंस्टीट्यूट में यहाँ पर मनाया गया है. और मैं अपने दिल की गहराइयों से ये काबिल मुबारकबादी देता हूँ हमारे जनाब मुख्तार अहमद साहब को और आपके अहलिया साहिबा मैम को जो मेरे पहलू में खड़े हैं, और आप मीज़ान एजुकेशन सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, जितनी टीम है, आप सभी को मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा एम, एक ऐसा जज्बा लेके चला है स्टूडेंट्स के लिए. वो स्टूडेंट्स जिनकी टेंथ के बाद, दसवीं जमात के बाद ख्वाहिश पढ़ने की ख़त्म हो चुकी थी, वो स्टूडेंट्स जिनकी इंटर यानी कि बारहवीं जमात के बाद पढ़ने की ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी थी, और वैसे लोगों के लिए मीज़ान एजुकेशनल सोसाइटी हमारे स्पेशली मुख्तार अहमद साहब ने एक ऐसा जज्बा लेके निकला. वैसे बच्चों को आज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पैरामेडिकल कोर्सेस में कई ऐसे तरीके के कोर्सेस है जिससे आज न सिर्फ इंडिया बल्कि बैरूनी ममालिक, आउट ऑफ कंट्री भी जो है ना, मीज़ान इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जो है ना, आउट ऑफ कंट्री भी अल्हम्दुलिल्लाह कई नाम कमा चुके हैं यहाँ का, यहाँ से तालीम हासिल करके, यहाँ के कोर्सेज को सीख के. और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि हम सब इसी तरह मीज़ान इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए रहेंगे. और मुख्तार सर का और मुख्तार सर के जो मिसेस है, मैम साहिबा यहाँ पे जो मेरे पहलू में खड़ी हैं, आपका और सारी टीम का, हम इसी तरह मिल के जो है ना साथ देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूट, ये एजुकेशनल सोसाइटी न सिर्फ इंडिया बल्कि जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं कि दुबई हो, कनाडा हो, कई दूर दूर से सर को मैंने देखा. मैं और मुख्तार सर एक साथ बैठे थे और जो है ना कनाडा से लॉकडाउन के टाइम पर भी, कोविड के टाइम पर भी, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि जो है ना सर लॉकडाउन के टाइम पर भी हम लोग बैठ गए थे. मेरे पास अच्छा सा मतलब बाग है, मैदान है, तो हम लोग वहाँ पे बैठ गए और बैठ के सर जो है ना स्टूडेंट की तवज्जो में बता रहा हूँ मुख्तार सर के पास कैसे वहाँ से भी बैठ के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लिए, भूखे रह के स्टार्ट करें. तो मैं सर के लिए एक लाइन, कुछ लाइन बोल देना चाहूँगा, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. कि ये जो लाइन है इसमें मैं कुछ चेंजिंग तरमीम करके मैं बोलना चाहूँगा कि अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे मेरे मालिक, मेरे जज्बात पे काबू दे दे. मैं अहमद साहब की तरफ मैं ये करके बोल रहा हूँ ये लाइन, कि अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे मेरे मालिक, मुख्तार अहमद साहब के जज्बात पे काबू दे दे. मुख्तार अहमद साहब गैर के हाथों से समंदर भी ना लेते, एक ख़तरा ही इनके लिए समंदर है अगर तू दे दे. और इसी के साथ मैं आखिर में दुआ के साथ ये बात रख रहा हूँ कि या अल्लाह तेरी अदालत में मेरे जमानत रखना, अगर मैं या मेरे जैसे कई मोहब्बत करने वाले मीज़ान इंस्टीट्यूट से अगर हम मर भी जाएं, तो या अल्लाह मुख्तार अहमद साहब को और ऐसे इदारों को, मीज़ान इंस्टीट्यूट जैसे, मीज़ान एजुकेशनल सोसाइटी जैसे इदारों को सलामत रखना. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं. और जितने हमारे यहाँ पे बहन भाई, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मशहूर और ममनून हूँ कि आपने एक मीज़ान इंस्टीट्यूट को जो है ना, मीज़ान एजुकेशन सोसाइटी वालों को और स्पेशली मुख्तार अहमद साहब को आपने वक्त दे के ये बता दिया कि हम मीज़ान एजुकेशन सोसाइटी के साथ हैं. और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये और भी आगे जाएगी, इंशाल्लाह और भी आगे जाएगी. शुक्रिया, सलाम अलैकुम.